आप 11 साल से कर रहे हो, आपने कितना यू नो स्टैंड अप को चेंज होते हुए देखा, क्योंकि पहले जोक्स होते थे, जो भी स्टैंड अप कॉमेडियंस होते थे वो आते थे, जोक्स आते थे, लेकिन अब किस्से और कहानियों का दौर है, बिल्कुल यू नो लोग सुनना चाहते हैं और हो भी वही रहा है, तो आपने कितना चेंज देखा है। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉनर, मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉनर राज जोस। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर राज जोन्स, और आज मेरे साथ मेरे शो पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव मौजूद है अपने दिल्ली के बहुत ही जबरदस्त एंड अमेजिंग स्टैंड अप कॉमेडियन जिनका नाम है निशांत तंवर, पॉपुलरली नोन एज राइडर ओपी। तो ताले बजाकर स्वागत करता हूं मेरे भाई का, तालियां। कैसे हो भैया? बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। भैया मैं बहुत यू नो खुश हूँ कि आप मेरे शो पर आए। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने राज का शो इतना देख रखा है, क्योंकि मैं हिप हॉप इतना फॉलो करता हूँ, और अगर आपको हिंदुस्तान में हिप हॉप फॉलो करना है, उसके बारे में कोई भी न्यूज़ चाहिए, कुछ भी चाहिए, अपडेट लाइव एंड एक्सक्लूसिव रिलीज होने से पहले, रिलीज होने के बाद, वो भाई साहब वो आपको एक ही जगह मिलेगा, वो है राज जोन्स के चैनल पे। थैंक यू भैया, तो थैंक यू भैया, मतलब ये तो आपने मतलब दिल की बातें बोल डाली सारी, तो इसीलिए मैं खुश हूँ कि मैं भी उसी जगह बैठा हूँ जहाँ पे मेरे बहुत सारे फेवरेट रैपर्स आके गए हैं। हाँ, बस मैं ये करता हूँ कि कोई कंट्रोवर्सी ना निकले वरना नीचे लोग लिख देंगे हैशटैग बीफ जोन्स यार ये उस सबको अवॉइड करते हैं। तो भैया मुझे पहले बताओ कि घर आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है मैं कैसे समझाऊं, जैसा ऐसा होता है ना, आपकी लाइफ में जो चीज़ होती है तो आपको उसकी कदर रियलाइज नहीं करते हो कि मेरी लाइफ में है ये। तो दिल्ली में जब इतने साल रहा तो कभी रियलाइज नहीं किया दिल्ली का जो प्यार था ना, समझ रहे हो, बहुत ही कॉमन, जैसे घर में आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो ना लोगों को, फिर आप घर छोड़ के जब माँ बाप से अलग रहते हो तो अब आपको मम्मी के हाथ की रोटी याद आती है, खाना याद आता है, तो वैसे ही दिल्ली छोड़ने के बाद, बॉम्बे शिफ्ट होने के बाद जो दिल्ली का जो रियलाइज हुआ ना कि यार क्या सही चीज़ थी यार बॉम्बे, अपने खाना दिल्ली का ये वो, तो लॉकडाउन में वरना मैं क्या शो के हर महीने एक चक्कर दो चक्कर दिल्ली के लगते रहते थे, जब नॉर्मल था शो होते रहते थे तो महीने के दो शो करता ही था मैं दिल्ली में, पर जब से लॉकडाउन हुआ है और 6 महीने हो गए भाई साहब दिल्ली की शक्ल नहीं देखी, दिल्ली में अपन आए नहीं, खाना नहीं खाया, मिले नहीं है लोगों से, तो रियलाइज इतना ज़्यादा हुआ मैं यार अब और सहन नहीं होगा, चलो दिल्ली। वो फील देखी मैंने अभी जब हम लोग पीएम साकेत बदे नॉस्टैल्जिया हो गया, मतलब आपको अरे भाई यहाँ पर ये था यहाँ पर वो सब आपको याद था। चीज मेरे को याद है पीवीआर साकेत, तो जो अपना यहाँ पे मैंने कॉल सेंटर में जॉब करता था। अच्छा। और रात को जॉब होती थी, सुबह अपने सोए आके कॉल सेंटर से, और फिर उठ के 12-1 बजे उठ के मैं कैफे कॉफी डे होता था यहाँ पे, वहां जाके लिखता था, सिर्फ पोएट्री करता था, राइमिंग वाली वो सब, और 3-4 घंटे रोज़ होता था, फिर शाम को फिर अपनी कैब आ जाती पिक करने, ये मेरा डेली रूटीन था, मतलब मेरी दोस्ती हो गई थी कैफे कॉफी डे वालों से इतनी कि वो मेरे से पहली कॉफी का पैसा लेते थे बस। अच्छा। बाकी बोलते थे कि सर लाओ ना कप रिफिल, ये क्या बात है, मतलब वो सब आपको इतना व्यवहार हो गया था मेरा वहाँ पे पीवीआर साकेत में, एकदम घर जैसा, मतलब वो ही मैंने बोला कि घर आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत सही भैया, मतलब मुझे भी अच्छा लगा कि मतलब हम लोग तैयारी करते हैं कि डिजिटली इंटरव्यू करेंगे, तो मैंने सडनली कॉल किया, देखा आप भी दिल्ली बने तो बढ़िया हो गया, तो फिर लाइव एंड एक्सक्लूसिव करते हैं। बिल्कुल। अच्छा भैया मुझे आपके नाम के बारे में जानना है, निशांत तंवर है, मुंबई में निशांत तंवर बोलते हैं, फिर जोक्सिंग भी है, हाँ जी, तो राइडर ओपी तो मतलब एक अलग ही लेवल है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, तो मुझे पहले नाम को, तो मेरा जो असली पूरा नाम है जो बचपन से वो है निशांत सिंह तंवर, ये है, और वो किसी तरह स्कूल में वो सर्टिफिकेट में सिंह हट गया तो हो गया निशांत तंवर, ठीक है, और फिर जब हम दिल्ली से गए बॉम्बे तो वो तंवर का हो गया तंवर, हिंदी में अगर आप जब लिखते हैं तो वो है त के ऊपर चांद बिंदी वर तंवर, वो सरनेम है, पर इंग्लिश में TANWAR, तो अब वो किस किस को मैं समझाता फिर कि यार ये तंवर नहीं है तंवर है तंवर है, तो मैं थक ही गया, तो मैंने बोला कि एज फार एज आप प्यार कर रहे हो सपोर्ट कर रहे हो है ना साथ बने हुए हो, आपका जो मन है बोलो सही सही पर जो असली में है वो है पूरा नाम है निशांत सिंह तंवर, ये नाम है। हाँ जी। और जोक सिंह, जोक सिंह है, जोक सिंह को मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो बचपन की गलतियाँ नहीं होती, आपने ऐसे आपको लगता है टैटू बड़ा कूल लगेगा बनवा लेते हैं, और 5 साल बाद लगता है कि यार इतना भी कूल अब लग नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ थोड़ा, तो जोक सिंह ने जब स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की थी 2009 में तो सब लोग एक स्टेज नेम रखते थे जैसे रैपर्स रखते हैं, तो कॉमेडी में भी ना बाहर मैंने देखा था, इंडिया में तो नहीं, कि बाहर स्टेज नेम अलग होता था एक ऐसे, तो मैं सोचा मैं भी ट्राई करता हूँ, तो मैंने ऐसे ही जोक सिंह रख लिया था, तो वो बस फिर वो उसका इंस्टाग्राम हैंडल और सब धीरे धीरे हो गया, अब वो वेरीफाई भी हो चुका है, अब मैं हटाऊंगा तो वेरिफिकेशन चला जाएगा, और बोला कि भाई साहब ऐसा कि टाइम लगेगा 6-7 महीने, मतलब पता नहीं अभी लॉकडाउन में तो कितना, तो मैं ठीक है अब
जो चल रहा है चल रहा है ठीक है। अब उसके बाद आते राइडर ओपी पे। सो लॉकडाउन का आपने फुल फायदा उठाया क्योंकि बाहर देखो स्टैंड अप ऐसे हो नहीं रहते, सब बंद था, तो घर पे आपने स्ट्रीमिंग चालू की, और जबकि स्ट्रीमिंग बहुत सही है उसमें सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस अपने सारे दिग्गज जाकिर खान भैया, बाकी तन्मय भाई, बाकी और भी सारे लोग आ रहे थे, आप गेम खेल रहे थे राइडर ओपी, ये जो मतलब इतना पॉपुलर हो गया है, सारे लोग इस पे आते हैं, और ये जो आपने फायदा उठाया इसके बारे में जानना चाहता हूँ मैं। ये भाई ये ऐसे हुआ कि बिल्कुल प्लान नहीं था, तो मैंने और जाकिर भाई ने सिस्टम तो ले लिया था कि अपन भी कुछ लाइव स्ट्रीम करेंगे ऐसा सिस्टम ले लिया हमने, पर फिर कुछ किया नहीं हम भी, ऐसा ठीक है ले लिया कुछ ऐसे कर लेंगे फिगर आउट कर लेंगे। अचानक से मेरे को समय रहना का एक दिन फोन आया कि यार आपने जब कर ही रखा है ये सब तो आप करते क्यों नहीं हो। बीच में हम किसी ना किसी के लाइव स्ट्रीम पे जाते रहते थे, खुद नहीं करते थे, कभी तन्मय भाई ने लाइव स्ट्रीम किया, कभी किसी और ने किया, हाँ समय ने कुछ लाइव स्ट्रीम किया तो उसके पे चले गए, कोई फंड रेजर की लाइव स्ट्रीम हुई गेमर्स की उस पे चले गए, आपके 8-bit वाले सोल वाले कुछ का वहां चले गए। तो ऐसे ही समय ने एक दिन फोन करके बोला कि आप स्ट्रीमिंग क्यों नहीं स्टार्ट करते। मैं भाई बिकॉज आलस, क्योंकि सेटअप वेटअप इनिशियल ना बहुत सीखना पड़ता है और आपने कभी किया नहीं है। तो फिर तन्मय भाई का एक दिन आया कि जब टिकटॉक बैन हुआ था तो उस पर रिव्यू वीडियो बनाते हैं, तो बोला चलो करते हैं, तन्मय भाई के साथ स्टार्ट किया। तो उसी में ना कहीं एक जगह जो गाना है अमर राइडर प्रोवाइडर, वो टिकटॉक पे बहुत यूज होता है, ये मुझे पता नहीं था। अच्छा, तो हमने जब वीडियो रिव्यू करना शुरू किया तो उसमें एंड में जो माइक ड्रॉप मूवमेंट होता है ना, जब स्लो मोशन में बंदा तो गाना शुरू था अमर राइडर, तो उसी में एक स्ट्रीम ऐसी हुई जिसमें तन्मय भाई और अमर ऐसे कि आर यू अ राइडर, आर यू अ प्रोवाइडर, राइडर ओपी, प्रोवाइडर ओपी, तो मैं राइडर, तन्मय भाई प्रोवाइडर, ऐसे करके वो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। और वो राइडर ओपी फिर ऐसा चिपक ही गया कि वो एक स्ट्रीमिंग की पहचान ही बन गया। और फिर जब मैंने स्ट्रीमिंग के लिए एक नया चैनल स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने पुराने चैनल पे एक दो बार गेमिंग की थी, तो लोगों ने बोला था कि भाई ये स्टैंड अप के लिए रहने दो, हम यहाँ पे आपके स्टैंड अप के लिए आते हैं, आप अगर गेमिंग करना है तो आप दूसरा चैनल खोल लो। तो मैं ठीक है, आप कई चैनल है, आप बोल रहे हो नया नया कर लेते हैं, आप वहाँ जाइए। तो मैंने एक नया चैनल स्टार्ट कर लिया, उसका नाम रखा मैंने राइडर ओपी। तो ये वहाँ से फिर एकदम ही वहाँ से अलग लेवल। हाँ, मतलब अभी मैं गलेरिया मार्केट है गुड़गांव में, वहां घूम रहा था परसों और पूरा मास्क लगा रखा था, लोगों ने आंखें देख के पहचान लिया और आके राइडर ओपी। अरे यार सही, तो मतलब ऐसे ही स्टार्ट हुआ और ऐसे ही इतनी बड़ी चीज बनी, ऐसे ही बस। तो मतलब भाई मतलब भैया आगे और भी करते रहो, मतलब बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं उसमें जब आता हूँ देखने के लिए तो दोनों में देखो स्ट्रीमिंग में बहुत सही बातें होती है और राइडर ओपी में सही बकचोदी होती है। जो आपने जल्दी प्रैंक करा जी जी जी, उसके बारे में जानना चाहूंगा, जलजीरा वाला प्रैंक। जिन्होंने नहीं देखा वो राइडर ओपी भैया के चैनल पे जाओ, प्रैंक देखें। वो तो वो भी प्लान्ड प्रैंक नहीं था। हुआ क्या था, मैं जलजीरा मुझे कभी कभी पीने का मन करता है, जीरो जी हाँ जीरो, तो ये बॉम्बे में मिलता है और मैं बॉम्बे से ही लेकर आया हूँ। तो मैं रात को ऐसे ही स्ट्रीम के साथ पी रहा था, तो मैंने इतना ही बनाया कि धीरे धीरे पीते, तो मैंने पूरे ग्लास में इतना ही बनाया कि जैसे आप नीट बनाते हो ना वैसा ही बनाया, वैसा ही। तो मैं धीरे देखा तो पहले समय ने बोला, अरे भाई ये लाइव पे क्या कर रहे हो, प्लीज मुझे बता दो, मुझे अडल्ट ओनली स्ट्रीम करनी पड़ेगी अपने चैनल पे, मैं बता दूं। फिर हमारे करण भाई एक करण सिंह मैजिक के नाम से फेमस है, वो भी दिल्ली के हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट सब सेलिब्रिटीज को मैजिक ट्रिक्स दिखा रखे उनके चैनल पे देखोगे। उन्होंने बोला कि राइडर में बता दो क्या है, अरे मैं बता दे, वैसे मजे मैं सिर्फ इम्प्रॉम्प्टू मजे ले रहा था ये वो। तो आखिर बोला कि प्लीज सच्ची सच्ची बता दो है क्या, मैं देखो ऐसा 1100 रुपए की सुपर चैट भेज दो, मैं बता दूंगा क्या है। तो समय ने बोला एक सेकंड रुको यार, उसने उसी टाइम सुपर चैट भेजी, मैं ये है दोस्तों जल जीरा खाने के बाद पीना चाहिए, हाजमा सही रहता है ये वो करके। और फिर जो मेरे एडिटर हैं पाहुल वालिया नाम है उनका, बहुत जबरदस्त एडिटर यार, मतलब ऐसे बहुत जबरदस्त, तो उन्होंने बोला कि इसकी हम हाईलाइट बनाते, बहुत जबरदस्त है, तो मैं बना यार। तो ऐसे बहुत सही लगा मेरे को, तो बहुत सही लगा वो, वैसे से शुरू हुआ। तो ये था ठीक है। अच्छा भैया मेरे को ये जानना है कि यू नो स्टेज को आपने कितना मिस किया। यार बहुत ज़्यादा राज, मैं क्या बताऊँ यार, स्टेज का ना तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, और मेरे लिए ना स्टेज घर हो गया था। स्टेज का ऐसा था, वी यूज़ टू लुक फॉरवर्ड कि स्टेज पे जाए, शो चाहे कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो, स्टेज की फील होती है ना कि आते ही आपके हाथ में माइक और लोग आपको बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उनको हंसा रहे हो, एक रियल टाइम आपको उनसे रिएक्शन मिल रहा है, उसकी इतनी आदत हो गई थी। 2009 से कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 11 साल हो गए मुझे। तो मैं लाइफ में कभी स्टेज से इतना दूर रहा नहीं हूँ जब से कॉमेडी स्टार्ट की है, ये पहली बार है जो 8 महीने स्टेज पर नहीं गया। तो वो बहुत मिस कर रहा था। दिस इज़ वेयर द स्ट्रीमिंग कम्स इन, मतलब स्ट्रीमिंग ने वहाँ पे सहारा दिया, सपोर्ट दिया, क्योंकि ये क्लोजेस्ट टू स्टेज, ऐसी फील तो नहीं हो सकती बट क्लोजेस्ट है,
कि आप स्ट्रीम कर रहे हो और आपको चैट में इंटरेक्ट कर रहे हो, तो चैट में आपको लाइव रिएक्शन मिल रहे हैं। तो हम तो स्ट्रीम करते भी, जो कमेडियंस जब स्ट्रीम करते हैं वो तो तब भी जोक मारते हैं, तब भी फनी होते हैं। हम प्रो गेमर तो है नहीं, एटलीस्ट मैं तो नहीं हूँ, मैं किसी भी गेम में प्रो नहीं हूँ। मेरा कोई भी गेम देखोगे ना तो आपको बोलेगा क्या नूब इंसान है, और मैं हूँ क्योंकि मैं गेमर नहीं हूँ, मैं कॉमिक हूँ। तो मुझे जो स्ट्रीम पे देखते हैं वो मेरे कॉमेडियन को जो स्ट्रीम करता है वो देखने आते हैं, वो गेमर को देखने नहीं आते किसी। तो उस हिसाब से थैंक्स टू स्ट्रीमिंग और ये इसमें थोड़ा सा हो गया, वरना अब मैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि थोड़ा सा अभी जैसे खुल गया है दिल्ली में। मैं हाँ दिल्ली में, मैं रिसेंटली एक लाइव शो देख कर आया हूँ, गौरव गुप्ता कॉमेडियन है, उनका शो देख के आया। 55 सीटर कैपेसिटी में स्टार्ट किया अभी, जो भी बुरा नहीं है यार, मैं तो 10 लोगों के लिए भी कर लूंगा लाइव स्टेज करने को मिले मुझे अभी। तो मोस्टली अभी करेंगे शो, स्टार्ट कर देंगे हम भी। तो सही है, मतलब ये तो अच्छी बात है कि दिल्ली में थोड़ा बहुत चीजें खुल गई है, अब दोबारा से चीजें नॉर्मल हो रही है, आप दोबारा से परफॉर्म कर लो, मैं जरूर देखना भैया। बिल्कुल भाई बिल्कुल। अच्छा ये पबजी जब बैन हुआ, जैसे गेमिंग की बात करते हैं, तो पबजी बैन हुआ आपको मतलब कितना दुख हुआ? तो मैं पबजी की मेरी कहानी बता देता हूँ। पबजी ना मैंने कभी पहले खेला ही नहीं था, हमारे पबजी फोन पे डाउनलोड है, हम जाकिर भाई के घर बैठे थे, जनता लॉकडाउन से एक दिन पहले, जब जनता लॉकडाउन संडे को हो रहा था, एक दिन पहले घर बैठे थे। और जाकिर भाई पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं कि भाई पबजी खेलते ना हम, और मैं उनको खेलते हुए देखता था, विश्वास भाई को, जाकिर भाई को, तो मेरे को समझ में नहीं आता था क्या है। बहुतों के नाम से भी सुना था, कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि लाइव में ट्रैवल और इतना होता रहता था, जब नॉर्मल था सब कुछ तो पता टाइम ही नहीं मिलता था। तो उन्होंने उस दिन मेरे फ़ोन पे उनके घर पे उनके वाईफाई से ही डाउनलोड किया कि भाई साहब ये है पबजी डाउनलोड, और मुझे साथ बैठ के ऐसे बैठे ऐसे सिखाया कि इससे जंप करते हैं, इससे आगे जाएगा, ऐसे लैंड करते हैं तो अपने को लूट करनी होती, गन होता है, ये सब होता है। और पहला गेम खेला उसमें जिशान भी था, वहीं पे था उस टाइम, हाँ छोटे भाई जो, और पहले मैच में ही विनर विनर चिकन डिनर उनके साथ, जिसमें मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, और मुझे पता भी नहीं कि विनर विनर चिकन डिनर होता क्या है, तब तक पहली बार खेल रहा हूँ कि इसका क्या वो है। तो वहाँ से शुरू हुआ, और भाई साहब फिर जो लत लगी है पबजी की, फिर तो भाई साहब हमने 2 महीने तो कम से कम पबजी ऐसा खेला, ऐसा खेला है कि ये यहाँ पे पबजी है, इसको ऐसे ऐसे करके ये पबजी है और ये पबजी, ऐसा किया पबजी के साथ हमने भाई साहब कि हो एकदम ही, ये तो कैसे छूटेगा मतलब। तो 2 महीने तो एकदम ही मतलब शिद्दत से खेला है। और जब बंद हो गया उसके बाद मतलब क्या रिएक्शन था? बंद होने के बाद तो देखो मुझे इतना मुझे ज्यादा बुरा लगा उन लोगों के लिए जो बेचारे पबजी स्ट्रीम करते थे, जिनका करियर था इस पे, तो पैसा छाप। हाँ हाँ, मतलब हम तो मजे के लिए कर रहे थे, हम तो लॉकडाउन में आए थे इनके पास, पबजी के पास। तो मुझे खुद के लिए इसलिए इतना बुरा नहीं लगा, बुरा तो लगा कि यार सही मजा आ रहा था यार, अभी तो अगला सीजन आने वाला था और मैं तो यूसी खरीद रखे थे, तो ये सब कर रखा था और सोचा था स्ट्रीम करना शुरू करते तो शायद पबजी भी करते ही, पर ठीक है मतलब जो भी होता है वो क्या ही कर सकते हैं। हाँ। क्या कर सकते हैं। हाँ। लेकिन आप जो नया गेम आप खेलोगे वो खेलोगे GTA 5, जैसे हम डिस्कस करते भी। बिल्कुल, GTA 5 मैंने डाउनलोड कर रखा है, और मैं बात हुई कि यार राज मेरे को सिखाएगा कि GTA 5 कैसे खेलते हैं, क्या है उसमें, डाउनलोड कर रखा क्योंकि मेरी ऑडियंस ने बहुत टाइम से बोल रखा कि भाई GTA 5 खेलो आप, भाई वो खेलें, क्योंकि जैसे आपने लॉकडाउन में पबजी खेला। हाँ जी। तो मैंने GTA 5 खेला, मैंने मतलब खत्म करने के बाद 4 या 5 बार तो मैंने उठा लिया। भाई ने नया गेमिंग लैपटॉप ले लिया भाई, तुम्हें पैसे खर्च हो रहे। अच्छा भैया मुझे ये बताओ कि अच्छी खासी आप जॉब कर रहे थे। हाँ जी। जॉब छोड़कर यू नो कहाँ से आपके दिमाग में आइडिया आया, क्योंकि लिखते आप बहुत पहले से थे कि यार यू नो स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाता हूँ, लोगों को हंसाता हूँ, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट काम है लोगों को हंसाना। हाँ, टफेस्ट काम वाले पे पहले बोलूंगा, टफेस्ट इसलिए है क्योंकि हमारे लिए नहीं, क्योंकि हमें तो और कुछ आता ही नहीं, हमें तो आता ही है तो इसलिए हमें टफ नहीं लगता, समझ रहे हो, जिसको जो आता है उसको लगता है कि नहीं नहीं तो और कुछ आता ही नहीं हमें लाइफ में हंसाने के अलावा। और शुरू कैसे हुआ, ये बात है 2009 की, हम जब यहाँ जॉब करते थे तो वहाँ पे दोस्तों ने बोला कि यार तू इतने मजे लेता रहता है हमारे, इतना फनी है, फनी हम स्कूल से थे, स्कूल कॉलेज सब ये था फनी वाला, तो स्टैंड अप कॉमेडी क्यों नहीं ट्राई करते। 2009 में इंडिया में सीन स्टार्ट हुआ था, ये वाला सीन जो नया सीन है कॉमेडी का, अपने आप अगर जॉनी लीवर सर की बात करो या राजेश श्रीवास्तव जी या इन सब की बात करो, तो ये सब जो इंडियन लाफ्टर चैलेंज था ये हमने देख रखा था, पर कभी सोचा नहीं था कि ये हम भी कर सकते हैं, हम में से कोई भी उठ के कर सकता है, ये सोचा ही नहीं था कभी। तो जब 2009 में ये सीन स्टार्ट हुआ तो बताया गया कि दिल्ली में मालचा मार्ग में एक ओपन माइक करके चीज़ होती है जिसमें आप जाके ट्राई कर सकते हो अगर आप फनी हो तो, मैं ठीक है करते। 2009 में तो हमारे पास होता था एक ब्लैकबेरी फोन उस टाइम, वो उसमें बॉल वाला ऐसे रोल वाला वो होता था, उसमें हम जोक लिख के लेके स्टेज पे चढ़े और 5-7 मिनट जोक बोला, कोई नहीं हंस रहा भाई साहब, कोई नहीं हंस रहा। और तुम्हारे दिमाग में तो जब तुम घर से लिख के लाए थे तुम्हें बोला आज तो भाई फाड़ ही डालूंगा, आज तो लोग बोलेंगे कौन आ गया, ये कौन है, कौन कहाँ था अब तक, ये तुम दिमाग में ऐसा सोच के गए थे, मैं तो मचा के आऊंगा भाई साहब किल ही कर दूंगा, ऊपर से दिल्ली के बंदे, उधर भाई को हंस ही नहीं रहा हूँ, तो मैं हंस ही नहीं रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों को उठा के ले आया साथ में कि देखो भाई साहब आज भाई क्या करने वाला है। तो उधर कुछ हुआ ही नहीं, पर मुझे फील अच्छी लगी क्योंकि उससे पहले ना मुझे स्टेज फियर था बहुत ज्यादा,
मैं स्कूल में कभी स्टेज पे नहीं गया. मतलब ऐसा होता था स्कूल में जब बर्थडे के लिए स्टेज पे बुलाते ना, जिस दिन आपका बर्थडे होता था आप स्टेज पे बुलाते थे, पूरी क्लास स्कूल असेंबली में तालियां बजाती थी, हैप्पी बर्थडे गाती थी, उसमें मैं नर्वस हो जाता था. इतना स्टेज फियर था मुझे. अच्छा. हाँ, कि मेरे को इतनी आदत नहीं थी. कि मेरे को याद है एक बर्थडे पे मैंने सब कर रहे हैं ताली बजा रहे हैं हैप्पी बर्थडे, और मैं इतना नर्वस था कि मेरे को इतनी ऑडियंस में रहने की आदत थी कि मैं भी हैप्पी बर्थडे टू गा रहा था. और जब आपका बर्थडे होता आप स्टेज पे, आप यू आर नॉट सपोज टू सिंग, आप सिर्फ खड़े, तो मेरे साथ और फील कर रहे दो जो खड़े हैं वो खड़े और मैं अकेला हैप्पी बर्थडे. फिर आता कि नहीं नहीं अपन को आज अपन इस साइड है आज, अपने को नहीं करना मिले. और मेरी प्रिंसिपल जो आई उसने एड्रेस भी करते, ही वाज सो एक्साइटेड, ही सैंग फॉर हिज ओन बम लाइक यार. तो वहां से आ रहा हूं मैं. तो उसके बाद स्टेज फियर थोड़ा सा ऐसे, समझ रहे, कॉमेडी से प्यार इतना हो गया कि अपने कंफर्ट जोन था मेरा, स्टेज पे नहीं जाना, लाइमलाइट में नहीं जाना ही मेरा कंफर्ट जोन था. बहुत इंट्रोवर्ट इंसान हूँ मैं. तो वहाँ से बाहर निकल के कि यार नहीं ये तो करना है, फिर एक दो और की ओपन माइक, फिर समझ में आया कि जो आपके दिमाग में फनी है वही सेम चीज आप तक पहुँचाने में वो थॉट कैसे कन्वर्ट हो, समझ रहे हो, वो फनी है थॉट पर आपको नहीं समझा पाया मैं. तो वो थोड़ा बहुत फिर प्लस माइनस किया. तो तीसरे चौथे ओपन माइक में बहुत जबरदस्त किल हो गया था, इतना जबरदस्त कि भाई मैंने ऐसा बोला था कि क्या पी रहा भाई, मैं पिलाऊंगा, तू क्या पी रहा, नहीं आज भाई साहब मचा के उस स्टेज पे, जिसको मैं पिलाऊंगा क्या पी रहा है, ऐसे करके खुश हो गया था मैं ऐसे. तो फिर उससे धीरे धीरे शुरू हुआ और लग गया. और उसके बाद से 2009 से लेके 11 तक ओपन माइक कर रहे थे. तब तक स्टैंड अप में पैसे थे ही नहीं, किसी को भी नहीं मिल रहे थे, सीन में ही पैसे नहीं थे. 2011 में धीरे धीरे पैसा आना शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा. कैसे सर, ये आप 15 मिनट करेंगे, 15 मिनट के आपको 4000 रुपये मिलेंगे. हैं क्या, 15 मिनट के 4000 रुपये, भाई साहब क्या बात कर रहे हो. ओहो हाँ, आधा घंटा है आपके पास, हाँ तो 8000 मिलेंगे. मैं, ओह भाई साहब. तो धीरे धीरे पैसा आना शुरू हुआ, पर वो बोनस मनी था सैलरी के साथ साथ, क्योंकि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो जॉब की जो एक फर्स्ट मंथ की जो मंथ के शुरुआत में पहली तारीख को सैलरी ट्रांसफर होती है, उसकी ऐसी आदत होती है ना कि भाई कुछ भी आपको पता है एक तारीख को ये पैसा आ जाएगा आपके अकाउंट में, उसकी आदत है आपको. तो वहाँ से शुरू हुआ 2011 में पैसा आना शुरू हुआ. तो 2011 से 12 वैसे किया. 2012 में फिर हमारी एक बॉस, उन्होंने बोला, उनको पता चल गया क्योंकि डेली टाइम्स में पेज 3 में फोटो आया, फोटो दिया. तो भाई साहब वहाँ से उनको पता चल गया कि ये तो मचा रहा है. और समझ रहे हो कि अगर मेरी बॉस से बनती, जो मेरी कमी है कि मैं वो नहीं कर पाया, एक लोग जिसको चाटना बोलते हैं वो एक सर्वाइवल स्किल होता है ना, वो सबसे नहीं होता. सही बात है, है ना, बॉस से बना के रखना एक सर्वाइवल स्किल है जो सबको नहीं आता, जो मेरे को नहीं आता था. तो भाई साहब मैं रेबल इंसान, भाई साहब अगर बॉस बोले कि मैं एक सेकंड एक काम करता हूँ उसके पैसे लेता हूँ ना, ये फालतू वक्त होती नहीं. तो मैंने एचआर में भी कंप्लेन कर दी थी, इसमें कभी मत फंसना. अगर दोस्तों एचआर आपके ऑफिस में आके बोलता है ना कभी भी कि प्लीज जो भी हो खुले में बोलिए, वी विल नॉट रिवील योर नेम, इससे बड़ा झूठ है ही नहीं दुनिया में. मैं एचआर के पास कंप्लेन करके आ गया मेरे बॉस की कि मेरे बॉस ऐसे करती ये होता है वो होता है. और एचआर ने बोला सही ये भी अच्छा, और बताओ मैं बताता क्या, वो लिखते. और भाई साहब अगले दिन बॉस ने उधर बोला, केबिन में बोला कि मैं बैठ, क्या बोल के आया तू एचआर में, ये लिस्ट थी मेरे बारे में. हाँ ये वो, भाई साहब मैं तो उधर ही मेरे एकदम भी धड़कन स्लो हो गई. मैं भाई साहब अब तो गए. तो मेरी वैसे ही बॉस से बनती नहीं थी. जब पता चला, क्योंकि मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग थे जो कुछ ना कुछ कर रहे थे, कोई बैंड में था, कोई कुछ और करता था, पर उन्होंने बोला कि भाई साहब आप कॉमेडी नहीं कर सकते. रीजन क्या था, उंगली, क्योंकि भाई को सर्वाइवल स्किल नहीं आता. तो है ना, तो मतलब मैं अब ये भी नहीं बोल सकता कि यार वो भी तो गिटार बजा रहा है, वो भी बॉस को क्या बोलोगे. बॉस ऐसा, दोनों में से एक चूज कर लो. यू कैन नॉट सेल इन टू बोट्स, इधर चूज कॉमेडी और दिस जॉब. आपके पास 48 घंटे बता दीजिए, दो दिन का टाइम है. ये फ्राइडे की बात है, मैं दो दिन का टाइम लेके, भाई साहब अभी पैसे तो आना शुरू हो गए थोड़े थोड़े, पर इतने नहीं आते कि अभी सैलरी वाला जो हिसाब हो पूछे. और मैं क्या बोलते हैं, खर्चा जो है वो तो चल ही रहा है. तो मैं बोला ठीक है. मैंने फिर मंडे को बड़ी हिम्मत करके मैं रिजाइन और रिजाइन किया. तो एक महीने का नोटिस सर्व करना पड़ता आपको. मेरी बॉस को मेरे से इतना प्यार था, उन्होंने बोला कि आप ईमेल भेज दो और आप कल से फ्री हो कल से ही मत आओ. तो मुझे ऑफिस एक हफ्ता एक्स्ट्रा जाना पड़ा क्लियरेंस के लिए. ऑफिस छोड़ते तो आईडी कार्ड वापस करना पड़ता है, ये सब क्लियर करना पड़ता है, हर डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है. उसके लिए मैं एक हफ्ते बाद तक जाना पड़ा, जो मैं सैलरी मिल जाती मुझे अगर होता तो. पर ये हुआ था और फिर फुल टाइम हो गया. फिर आप फुल टाइम हो गए. अच्छा, अब जैसे यू नो 10 साल से ऊपर हो गया, 11 साल हो गए आपको करते हुए, कभी बॉस का मैसेज आया कि यार तू तो मचा रहा है. हाँ नहीं, बॉस का नहीं, पर बॉस के आसपास का आया. जैसे बॉस के जो दूसरे लोग हैं ना, जो सर्वाइवल स्किल वाले शागिर्द, हाँ उनका ऐसा आता रहता है कि यार मेरे बच्चे फैन है तेरे, यार क्या बढ़िया करता है यार, और पुरानी बातें यार.
तो बढ़िया, मतलब देखो आपको उस पर भैया भरोसा था कि ये मैं भाग सकता हूँ। अब उसमें भी दो चीज है, उसमें पता है क्या है, मतलब मेरे अंदर वो तो है ही कि यार मेरे साथ गलत किया, नहीं करना चाहिए था, वो तो है ही। पर वो घाव भर गया धीरे धीरे, समझ रहे, इतना टाइम हो गया और मेरी लाइफ में सही हुआ उसके बाद। ऑनेस्टली अगर मैं वही जॉब में होता तो शायद मुझे पता नहीं मैं कहाँ होता, पर मैं खुश हूँ जो हुआ। और मिडिल क्लास इंसान के लिए खुद नौकरी छोड़ना, मुझे नहीं पता मैं कब छोड़ पाता। मैं तो कोशिश करता कि मैं क्या करता था कि ऑफिस में काम करता था, ऑफिस में 2 घंटे की ब्रेक होती थी बीच में, जैसे अगर पूरे 10 घंटे की शिफ्ट है तो 12 घंटे की मान लो, और बीच में 2 घंटे की ब्रेक हो जाती थी, तो उस 2 घंटे में मैं जोक्स लिखता था और फिर ऑफिस खत्म करने के बाद सीधा ओपन माइक भागता था। अच्छा, ये हसल पूरा चलता था मेरा। तो मैं सोचा कि अगर वो नहीं होता, बॉस नहीं बोलता नौकरी छोड़ने को मेरी, तो मैं कहाँ से ही छोड़ पाता। तो उस वे में अच्छा भी हुआ मेरे लिए कि मैं अपना पूरा फोकस स्टैंड अप कॉमेडी को दे पाया। और जब ऐसे फटी ना भाई साहब की, भाई साहब क्या करना है, नौकरी तो गई, पैसे तो कमाने हैं ना, घर तो चलाना है, कैसे होगा, तो उसमें फिर पूरा हो गया। तो दोनों है, मतलब मैं खुश भी हूँ, मतलब मेरे अंदर अब कोई नेगेटिव या जहर नहीं है, अब नहीं है, जहर नहीं बिल्कुल। तो आप ऐसा करो, जब अभी दिल्ली में चालू होंगे स्टैंड अप, तो कपल टिकट से भेज देना। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि अब मैं उस मोड़ पे मिलूं कि जहाँ मैं भी मुस्कुराऊं वो भी मुस्कुराए, कि ठीक है यार। और पीछे गाना चला, आई एम अ राइडर, तो समझ गया। अच्छा, इंग्लिश में आप करते थे, हाँ जी, उसके हिंदी में शिफ्ट जी क्या? तो जब 2009 में स्टैंड अप शुरू हुआ ना, तो सीन ओवरऑल डोमिनेंटली इंग्लिश में ही था कि अगर आपको स्टेज चाहिए तो इंग्लिश में परफॉर्म करना पड़ेगा। हिंदी में ना ऑर्गेनाइजर भी आपको स्टेज देते नहीं थे उतना। अच्छा, हाँ, ये सीन था बहुत, कि बहुत जगह अगर आप हिंदी में करते तो आपको बोलेंगे कि यार स्लॉट फुल हो गया, ये वो। तो मैं ठीक है, इंग्लिश इतनी आती थी, सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो जितनी आती थी हिंदी में थॉट आता था उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख लेते थे जोक, तो वो उतना स्टेज पे उसका थोड़ा सा वो डेंसिटी कम हो जाता है, क्योंकि अगर आपने सोचा हिंदी में, फर्स्ट थॉट ही आपका हिंदी में, और आप किसी भी और लैंग्वेज में कर रहे हो, तो वो फर्क पड़ जाता है कि अब फूफा जी पे जोक है तो इंग्लिश में थोड़ी फूफा जी कैसे बोलोगे हम इंग्लिश में, वो फील ही नहीं आएगी दैट माय अंकल सेड। आप बोलोगे अंकल तो भाई साहब कोई भी हो सकता है अंकल, फूफा जी में तो आपको बहुत क्लियर है बुआ, बुआ का पति, फूफा और फूफा ऐसे होते हैं, फूफड़ या फूफड़ फूफड़ फूफड़, हाँ, तो वो है। तो इंग्लिश में स्टार्ट किया, बहुत साल किया इंग्लिश में, बाहर बहुत जगह परफॉर्म किया इंग्लिश में। इस चक्कर में मैंने कुछ 14-15 कंट्रीज में परफॉर्म कर रखा है, सही, स्टार्टिंग फ्रॉम मेलबर्न कॉमेडी फेस्टिवल जो ऑस्ट्रेलिया में है, यूएस, मैंने वेगस में परफॉर्म कर रखा है यूएस में, मैंने सिंगापुर कर रखा, मलेशिया कर रखा। सिंगापुर में एक जगह एक शो था मेरा जहाँ 15 नेशनैलिटी से लोग थे ऑडियंस में, 15 नेशनैलिटी एक ही शो में, पार्लियामेंट हाउस में सिंगापुर के। मैंने वियतनाम में शो कर रखा है, सही, श्रीलंका में कर रखा है, दुबई तो हम जाते ही रहते हैं, ये पता नहीं था मेरे को। हाँ, तो एम्स्टरडैम में शो कर रखा है मैंने, बहुत जगह कर रखा भाई मैंने। तो फिर 2016 की बात है, ये 2016 में अचानक से मेरे को याद है, घर पे बैठे हुए थे कुछ, और मम्मी मेरे सारे वीडियो देखती है, और मम्मी को इंग्लिश नहीं आती। अब मैं मम्मी में सोच रहा हूँ मम्मी क्या देखती रहती है, और मम्मी का से मेरा बेटा बोल रहा है कुछ और लोग हंस रहे हैं, मेरे को तो वही है। तो मैंने एक बार सोचा कि मैं हिंदी में करके देख, मम्मी को तो समझ रहा हूँ, हाँ, एक बार करके देखते इसी, और थॉट कुछ आया था वो हिंदी में आता, मैंने हिंदी में लिख दिया। ये बॉम्बे की बात है, बैंड्रा में स्टारबक्स है, वहाँ बैठा था मैं, और कुछ मेरे ख्याल से सर्जिकल स्ट्राइक की बात है तब हुआ था, और मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, और मैं सेम शाम को लिखा, रात को वहीं पे कैनवास लव क्लब में चला गया बॉम्बे में, और परफॉर्म कर दिया पहली बार हिंदी में, और भाई साहब कोई रिस्पांस मिला है जो फटा है वो, मैं सही है। और वो मैंने फ़ोन पर रिकॉर्ड किया था अपने रेफरेंस के लिए, ताकि याद रहे, ट्राईपॉड पे ऐसे रखने के लिए कैसा जाएगा, हम ऐसे रिकॉर्ड करते रहते हैं ऑडियो या वीडियो। मैंने वही वीडियो जो पहली बार किया था और सीधा किया, वो मैंने अपलोड कर दिया फेसबुक पर, वो वायरल हो गया, उस पर कुछ 8 दिन में 1 मिलियन व्यूज़ हो गए फेसबुक पर उस टाइम 2016 में। तो मैं सही है, मैं फिर तो अगर यही है तो करते हैं। तो वैसे हिंदी में वो फील भी तो आती है, आती है बहुत, हाँ, तो धीरे धीरे ऐसे स्टार्ट। अच्छा, कभी मतलब ये प्रेशर होता है आपको कि मतलब स्टेज पर चढ़ने से पहले कि यार लोग अगर नहीं हंसेंगे, या वो एक प्रेशर होता है मतलब? ये बहुत पहले होता था, शुरू में बहुत होता था, जब आपको पता नहीं था, अब इतना कर लिया तो आपको मालूम है कि अगर नहीं चला तो क्या करना है, चल गया तो क्या करना है। और अब तो ऐसा होता ना कि लोग देखने ही आपको आते हैं, वीडियो वायरल होने से जो फायदा हुआ है सारे कमेडियंस का, कि अब लोग उसे देखने आए, उस इंसान को ही देखने आए, तो फिर उन्हें पता है, वो इस्टेब्लिश हो रखा उनको कि इंसान फनी है, मैंने देख रखा ये फनी है। हो सकता है इसका आज कोई एक जोक ना चले, पर अगर ये 1.5 घंटे स्टेज पे है तो उन्हें पता है कि 1.5 घंटे में से 90 मिनट में से मैं 85 मिनट तो हंसने वाला हूँ, 5 मिनट शायद अपनी मन की बात बोल दे मैं सुन लूंगा। तो अब वो उतना नहीं रहता। और पहला लाभ जब हिट करता है ना आपको, जैसे आप स्टेज पे आए
आपको लग रहा है कि यार कौन कॉर्पोरेट शो में बहुत होता है कि लोग ऐसे टाई वाई कोट पहन के बैठे हैं फ्रंट रो में कि ऐसे अच्छा, और उनकी ऑफसाइट है, ऑफसाइट में उनको ले गए यहाँ से गोवा, हाँ 2 दिन उनको गोवा में यहाँ से गोवा बोल के ले गए हैं, और सुबह से शाम उनको पीपीटी दिखा दिखा के प्रेजेंटेशन की तुमने पिछले साल इतनी सेल की, इस साल इतनी करोगे और अगले साल इतनी करोगे, ये कर करके उनका ऐसा शाम तक उनका तेल निकाल देते हैं, और शाम को फिर हमें स्टेज पे खड़ा कर देते हैं कॉमेडी करने के लिए, और सारे ऐसे बैठे होते हैं ऐसे करके कि हंसा के दिखा तो उसमें थोड़ा थोड़ा लगता है, पर जैसे ही पहला लाफ आता है ना, हाँ। फिर आपको पता है कि भाई साहब अब कंफर्टेबल, वो जो पहली बाउंड्री लगती है ना कि अब तो मैं देख लूंगा, मुझे पिच समझ में आ गई है, मतलब अब नहीं होता था ना, हाँ, पहले शुरू तो आपको आपको एग्जैक्टली पता है, अब राइडर ओपी भी तो ना इजीली निपटा लेता, वो तो लॉकडाउन में हुए पर ये तो पहले से सही। अच्छा फिर मेरे को ये जानना है कि आप 11 साल से कर रहे हो, आपने कितना यू नो स्टैंड अप को चेंज होते हुए देखा, क्योंकि पहले जोक्स होते थे, हाँ जी, जो भी स्टैंड अप कमेडियन होते वो आते थे, जोक्स आते थे, लेकिन अब किस्से और कहानियों का दौर है, बिल्कुल यू नो लोग सुनना चाहते हैं और हो भी वही रहा है, तो आपने कितना चेंज देखा? हाँ तो मैंने देखा, जैसे मैंने बताया कि पहले इंग्लिश का ही था आपको आना, फिर मैंने देखा कि जाकिर भाई का इसमें बहुत बड़ा है, हिंदी को लाना, हिंदी को कूल बनाना, वो कहानियाँ किससे, कहानियाँ स्टोरी टेलिंग को लाना कि ये भी एक आर्ट फॉर्म है, वो भी कर सकते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करना, और जैसे कॉमेडी का ना, अगर आप कॉमेडी पढ़ोगे आप तो उसमें ना जो आपको सिखाते जो कॉमेडी की मैथमेटिक्स है वो ये है कि लाफ्स पर मिनट, कि आपका सेटअप है और ये पंच है, कि आपने अगर हर 15 सेकंड में एक लाफ आना चाहिए, 20 सेकंड में एक लाफ आना चाहिए, तो उसमें आपका जोक्स होते हैं कि मेरा एक जोक है, यहाँ जोक है, जोक 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 जोक, पर कहानियों में ऐसा नहीं होता, कहानी में ऐसा होता है कि आप शायद 2 मिनट तक 3 मिनट तक कुछ बात कर रहे हो और 3 मिनट के बाद इतना बड़ा लाफ आया आपको, एक फट्टा ऐसा आएगा, हाँ हाँ, जो पूरा लिस्ट, फिर आप बातें कर रहे हो, फिर आपने मतलब उसको ड्राइंग रूम की बात ही बना दी है, जैसे हम ऐसे बैठे ऐसे, हाँ अगर तू मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई मैं कब हंसूंगा, तो हो सकता है मैं 2 मिनट बाद कोई बोलूँ जो हंसे, या 5 मिनट बाद हो, या हो सकता है 10-10 सेकंड में हो, पर वो नहीं है, मेरा मैथमेटिक्स नहीं है, फॉर्मूला नहीं है कि मेरे को हर 15 सेकंड में एक जोक मारना ही है, वो बहुत बड़ा चेंज है एक जो आया है, और ऑडियंस साथ साथ में इवॉल्व हुई है, साथ साथ में जैसे जैसे कॉमेडी सीन इवॉल्व हुआ है वैसे वैसे ऑडियंस बढ़ी है, जैसे जोक्स हम आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले, 6 साल पहले करते थे, वो जोक्स अब आप देखना वो है ही नहीं, अगर आप किसी के पुराने यूट्यूब वीडियो उठा के देखोगे स्टैंड अप के, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये 7 साल पहले का ही होगा, ये 5 साल पहले का ही होगा, तो वो मेन वो इवॉल्व हुआ है, ऑडियंस चेंज, जैसे बोले यूथ पूरा आ गया, यूथ पूरा रिलेट हो गया पूरा पूरा पूरा, और जो बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन वो भी मोस्टली यंग है और मोस्टली हम जो बातें करते हैं स्टेज पे, हाँ। उससे पहले स्टैंड अप कॉमेडी में इतनी होती नहीं थी, हमने एकदम ही शीशा ला के सामने खड़ा कर दिया कि अगर ये सोसाइटी है, ये आप बात करते हो, आप अपने घर में अपने दोस्तों से अपने कॉलेज में अपने स्कूल में ऐसे बात करते हो, उसी का सामने मिरर ला के खड़ा कर दिया हमने कि भाई साहब हम भी ऐसी बात करते हैं स्टेज पे, वरना पहले अगर आप देखो पहले कॉमेडी में ऐसा होता था कि कोई कोट पहन के जा रहा है स्टेज पे ना, हमारे जैसे आप देखो कोई ओपन माइक में तो लोग चप्पल और शॉर्ट्स में भी आ जाते हैं जैसे नॉर्मल, मतलब बहुत ही कैजुअल, पहले ऐसा होता था कि एकदम चमकीला सा कोट होता था और वो होता था, और प्रॉपर स्टैंड अप कॉमेडी के लिए भी ऐसा होता था, अब कोई टी शर्ट में भी है, मतलब कैजुअल है कि हाँ एकदम आपको ऐसे लगा कि ये तो क्या सही बोल रहा है, ऐसे ही तो होता है यार, ऐसे ही तो होता है, रिलेटिबिलिटी, बट ये जो ये आपने बोला रिलेटिबिलिटी, ये मैं समझ गया, अब जैसे पहले जोक्स होते थे ठीक है, तो अब माँ बाप अब क्या है कि गालियाँ हैं, हाँ ठीक, और जो वो की नॉर्मल है वो भी बहुत रिलेटेबल है, हाँ, क्योंकि हम अक्सर गाली देते हैं ठीक है, हम तो दिल्ली से ही हैं, हाँ जी, तो हमारे तो हर दूसरी बात पे BCM से निकलती है, हाँ जी, लेकिन जब यू नो जैसे मेरे डैड वो राजू श्रीवास्तव बाकी जो उस टाइम के होते थे वो बड़ा एंजॉय करते थे, हाँ जी, लेकिन आज के जब देखते हैं तो वो भी रिलेट कर जाते हैं बहुत सारे, लेकिन नहीं करते क्योंकि हाँ, तो गाली वाले फैक्टर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो देते हैं वो पकड़ लेते हैं, जो नहीं देते वो तो यार ये क्या ये गाली क्यों दे रहा है, जबरदस्ती है गाली, इसके बारे में तो इसमें भी ऐसा है कि बहुत जो चीज़ है, जैसे अगर हम अपने एक जनरेशन ऊपर की बात कर लें, आपके और मेरे पापा की बात कर लें, गाली वो भी देते हैं पर हमारे सामने नहीं देते है ना, आपके पापा आपके सामने गाली नहीं देंगे पर बाहर किसी से फड्डा वड्डा हो गया तो फिर तो पहले तो दे ही देंगे है ना, दे देंगे। तो सीन क्या है, तो वो आपके सामने वो वीडियो नहीं देखेंगे, वो कंफर्टेबल नहीं है कि मैं राज के साथ बैठ के वो वीडियो देखूं जिसमें गाली हो रही है, पर हेडफोन लगा के अकेले वो हंसेंगे यार सही बोल रहा है यार, अपने दोस्त को व्हाट्सएप करेंगे देखा तूने यार ये है ना, तो वही एकदम कोई भी आर्ट फॉर्म सोसाइटी का रिफ्लेक्शन ही होता है, सही बात, तो अगर वो स्टेज पे गाली दे रहा है इसीलिए क्योंकि उसने स्टेज के पहले वो गाली 100 बार सुनी है दी हुई है या नॉर्मल हो रखा है वो,
इसीलिए वो स्टेज पे दे रहा है। कोई स्टेज पे आके पहली बार कोई नई चीज करेगा तो आपको लगेगा कि यार ये क्या कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा वो लगेगा, पर जो सोसाइटी में हो रहा है वही सेम चीज स्टेज पे हो रही है। सही बात है, और वही व्हाट्सएप हो रही है चुपके से, सब वही व्हाट्सएप, सब वही बात है। हाँ, तो कई लोग जो गाली को देख के होते ना कि अरे तो गाली दे रहा है और हंस रहे लोग, उन्हें ये नहीं समझ में आता कि वो जो गाली है वो उसकी बात का एक छोटा सा कहीं पार्ट है, मेन बात नहीं है गाली, पंच नहीं है गाली, वो उसकी बात में निकल गई साथ में। अब अगर आपका गाली पंच ही कोई गाली है तो शायद लोग ना हंसे, तो वो समझने वाली बात है कि जिसके समझ रहे कि आप सिर्फ एक गाली दे रहे हो और एक आपने कोई बात बोली जिसमें आपके मुंह से निकल गई फ्लो फ्लो में, उससे भी निकल जाती है। हाँ हाँ, पर वो आपके मेन बात वो नहीं है, तो वो जो नए उनके साथ ऐसा हो जाता है कभी, उनको लगता है कि यार जब उसने बोला बीसी तो हंस रहे थे, मैं बोला बीसी तो नहीं हंस रहे, क्योंकि वो कुछ और बोल रहा था, उसकी मेन बात ही कुछ और थी। समझना बहुत जरूरी, समझना बहुत जरूरी, कॉन्टेक्स्ट क्या था। हाँ सही है, मतलब तो बहुत चेंजेस, हाँ जी आपने देखे। हाँ, और हुए भी है। और ये जो आप ऑडियंस की बात कर रहे हो ना, ये हम थे शुरू शुरू में, जब ये स्टैंड अप शुरू हुआ ना, तो जब मैंने किसी को गाली देते हुए सुना था तो मेरे हाँ भाई साहब स्टेज पे बोल दिया, ये स्टेज पे ये बोल दिया, स्टेज पे वो बोल दिया, ये मेरे साथ होता था, सबके साथ होता था। और फिर हम उनको देख देख के अच्छा ये बोल सकते हैं, तो हम शुरू शुरू में तो हर बार एक नई लाइन क्रॉस करते थे, हर बार एक नई लाइन बनाते थे कि आज ये क्रॉस करके देखते हैं, आज ये क्रॉस करके देखते हैं। तो अभी जैसे जो शुरू कर रहा है उसको ऑलरेडी पता है, उसको ऑलरेडी जो 10 लाइन हमने क्रॉस की थी उसको पता है कि वो तो 11वीं से शुरू करेगा ना। तो हाँ, तो हम हमारा ये एक बहुत फर्क था कि हम हर बार करते थे कि क्या आज इस बारे में बात कर सकते हैं क्या स्टेज पे, क्या इस बारे में बात कर सकते हैं क्या, तो वो एक वो सही। अच्छा भैया, टेल मी योर रोमांस विद जाकिर खान भैया, क्योंकि यू नो हम लोग पता ही है साथ में वहाँ बॉम्बे जब थे क्रिकेट खेलते थे, और मैंने आप और उनको बहुत चीज़ें डिस्कस करते हुए देखा है जी। एंड मेरे को ये भी पता है कि आप दोनों का हसल सेम था जी। जी हाँ, तो हम दिल्ली में मिले, वो मेरे ख्याल से अपने इंदौर से जयपुर होते हुए फिर दिल्ली आए थे रेडियो में करने। हाँ, मैं भी दिल्ली में ही था, तो हम 2011 में एक ओपन माइक में मिले थे गुड़गांव में। हाँ, तो वहाँ पे मुझे भी उनका जोक याद था, जो उनका था उनको मेरा याद है, जो पहली बार जब मिले और वहाँ पे पहली बार मुलाकात हुई, और उसके बाद धीरे धीरे तो क्योंकि हमारा उस टाइम कॉमेडी में ना एक तो हम दोनों अकेले थे, तो हम साथ भी ढूंढ रहे थे, तो जितनी बार मैंने फिर शो ऑर्गेनाइज करना शुरू किया तो मैं कोई और पूछता था, तो उस टाइम सारे क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश में करते थे या कुछ और होता था, तो कोई साथ में करने के लिए काम भी उसमें जाकिर भाई हमेशा खड़े होते थे कि चलो परमिशन लेने चलना, चलो ये करना है चलो। मेरे पास भी कोई शो आता था तो सबसे पहले उन्हीं को बोलता था मैं। और सबसे जो पहली बार जो सबसे मेन कनेक्शन जहाँ से स्टार्ट हुआ वो है साउथ एक्स में एक ओपन माइक है जो मैं ऑर्गेनाइज कर रहा था। तो ओपन माइक में ना क्या होता है कि आपको ना पैसे नहीं मिल रहे होते वेन्यू से बहुत ज़्यादा, वो सिर्फ इसलिए होता है कि आप नए जोक सुनाने आए हो और आप ट्राई करने आए हो, तो उसमें आपको परफॉर्मर को भी पैसे नहीं मिलते और ऑडियंस भी उतने पैसे देके नहीं आती, क्योंकि उन्हें पता है वो गिनी पिक टाइप है उसमें कि भाई साहब तुम ट्राई करने हो अपने नए जोक पे। हाँ, ट्राइड और टेस्टेड जोक नहीं है, और उस टाइम कोई वायरल नहीं था, ये 2011-12 की बात है, तो उस टाइम स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में लोगों को इतना पता नहीं था, कई लोग ऐसे होते थे यार क्या बोलते हैं स्टेज पे, ऑडियंस जो नहीं आई है वगैरह। तो एक ओपन माइक था साउथ एक्स में, मेरे को वेन्यू याद है कुछ हेंड्रिक्स क्या था, वो गिटार वाला एक वेन्यू होता था जहाँ पे फ्लोर पे जिम हेंड्रिक्स है कुछ ऐसे उस नाम से था, तो उसमें ओपन माइक मैंने ऑर्गेनाइज किया था और 6-7 कॉमेडियन ओपन माइक करने आने वाले थे। हाँ, पर क्योंकि पेड गिग नहीं है तो मना भी कर सकते हैं कि नहीं आए तो ठीक है यार मैं बिजी हो गया नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूंगा यार, ठीक है यार ओके। हाँ, तो ऐसे एक एक करके सारे बैकआउट कर गए। अब ऑडियंस आ गई है और ऑडियंस आ गई, उनको कम से कम 1 घंटे का शो तो चाहिए, तो भाई साहब कोई है नहीं, एक या दो लोग आए कोई कॉमेडियन, और मैंने जाकिर भाई को फ़ोन किया कि भाई यार ऐसा ऐसा है, तो बोले मैं आता हूँ। और उन्होंने शायद वो पहली बार था, उससे पहले उन्होंने भी कोई 50 मिनट परफॉर्म नहीं किया था। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने ओपन माइक में सीधा ही 50 मिनट पूरा संभाला, परफॉर्म किया, तो वहाँ से हमारा और भी बॉन्डिंग और हो गई यार। और फिर व्यवहार का उनका है ही सीन जबरदस्त। उनकी एक छोटी सी बात है, यहीं पे अपने मालवीय नगर में हम लोग नीति पाल्टा करके कॉमेडियन है, उनके घर प्रैक्टिस करके निकल रहे थे इम्प्रोव शो की, तो हम बाहर निकल रहे थे, बोले क्या करना है, मैं बोला बस मैं भी निकल रहा हूँ, मेरी वो आ रही है गाड़ी आ रही है, तो जाकिर बोला ठीक है मैं भी निकलता हूँ। फिर उन्होंने बोला कि 5 मिनट के लिए क्या व्यवहार खराब करना, आप क्या ही रही ना, मैं वेट कर लेता हूँ। वो एक लाइन है ना कि 5 मिनट के लिए क्या व्यवहार खराब करना, वो लाइन ऐसी बैठ गई ना, मैं क्योंकि व्यवहार का मेरा बहुत सीन है कि मैं भी बहुत व्यवहार वाला बंदा हूँ, पर मुझे सामने से बहुत कम लोग मिलते हैं जो इतने व्यवहार वाले हों। तो जहाँ जाकिर भाई के साथ वो केमिस्ट्री बैठ गई ना कि हाँ कि भाई फिर तो हम घर वाले लोग हैं, फिर जाकिर भाई मेरे घर आना रहना खाना सोना, मेरा उनके घर जाना खाना सोना, अंकल आंटी से मिलना, मेरे पापा मम्मी से मिलना, मतलब हमारा घर जैसा सीन है कि, और हमारी मम्मी
जो है मेन पॉइंट, बहुत बड़ी बात है कि हम दोनों की मम्मी कंट्रोल सी कंट्रोल भी एकदम कॉपी पेस्ट है, एकदम सेम है। अच्छा, जैसी जाकिर भाई की मम्मी है जैसी मेरी मम्मी है, एकदम सेम इंसान है वो लोग। तो हमारा वैसे ही जब हम मिले पहली बार, मैं आंटी जी को मिला, मैं यार तो मम्मी है एकदम ही, एकदम सेम। जाकिर भाई मिला, यार निशांत भाई ये तो बिल्कुल मम्मी है यार। तो हाँ, और ओवरऑल फिर एक दूसरे के साथ खड़े रहना, आई थिंक लाइफ को लेके आप जैसे मुझे, मैं भी बहुत मतलब बहुत सारी चीजें जाकिर भैया, विश्वास भैया से सीखी है। हाँ, जो घर आते हैं हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बिल्कुल तो मतलब वो एक वो स्टैंड अप वाला से ऊपर है बहुत, यू नो लाइफ को लेके भी डिस्कस करना है वो चीज़। मतलब मैं इस मामले में बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ अपने आप को कि जाकिर भाई लाइफ में आए, क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब अगर 3 घंटे भी बैठे हो ना आप उनके साथ, तो आपको ऐसी ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी या पता चलेगा जो आपको, वो एग्जिस्ट करती तो यही नहीं पता था। तो वो बहुत है, मतलब मैं सुनता हूँ सिर्फ, मैं बहुत सुनता हूँ जब भी हो, क्योंकि बहुत मजा आता है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ऐसे बातें कोई करता भी नहीं, और नहीं, क्योंकि वो जो उनका हसल है, जो उन्होंने सीखा है, वो उसको इतनी अच्छी तरीके से बताते हैं कि मतलब कि आप मिस्टेक ना करो, आप सीख लो। हाँ हाँ, और ऑब्जर्वेशन भी बहुत ऐसी ऐसी, अगर आपको लगता है ना कि इसमें से मैंने तो सब ऑब्जर्व कर ही लिया, 10 बार देख के भी ऑब्जर्व कर लिया, वो सिर्फ 1 बार देख के बताते हैं कि यार इसमें ये हो, बोला हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो मेरे जितने भी स्पेशल शोज होते हैं उन सबका नाम और पोस्टर, जैसे अमेजॉन प्राइम वीडियो पे एक है दिल्ली से हूँ और एक है गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, दोनों का पोस्टर एग्जैक्ट जाकिर भाई के, उन्होंने बैठ के बताया, जैसे हमारे जब बैंडर में घर में आए तो जाकिर भाई ने नीचे बैठ के बताया कि आप ऐसे बैठोगे, इधर आपका बेसबॉल का बैट होगा, इधर एक माइक रखा होगा। और मैंने फोटो खींची जाकिर भाई की, वो फोटो खींच के डिजाइनर को भेजी, ग्राफिक डिजाइनर को, कि ये पोस्टर बनना है टीम को, वो गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, मेरे लगे कि भाई ऐसा है गाड़ी तेरा भाई चलाएगा कर रहे हैं अपन और ऐसे ऐसे। तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि पोस्टर कैसा हो, कि ये पता था क्लियर था कि स्कॉर्पियो के आगे खड़ा होना क्या करना, उन्होंने बोला ऐसा स्कॉर्पियो के आप बोनेट पे बैठोगे, आपके हाथ में एक वो स्पीकर जैसा होगा बस, और कुछ और वो तो वो उनकी वो क्लैरिटी बहुत ज़बरदस्त है कि क्या वो विजुअलाइज करना। हमारे साथ क्या होता है, आप कुछ सोचते हो और वो एग्जीक्यूट होते होते जो निकल के आता है, और थॉट्स फंस भी जाते हैं। हाँ, 100 थॉट्स आ जाते हैं कि हाँ, ये भी चाहिए तो उनका हाँ, बहुत क्लियर वो बात। जैसे ये सब रोमांस की बात हाँ, है, ठीक है, हसल के बारे में बताओ कि जब आप लोग हसल करते हो उस टाइम पर। तो हसल की दोस्ती तो एकदम ही अलग होती ना, जब आप किसी, आपका अच्छा टाइम चल रहा है तब तो आपसे सब दोस्ती करना ही चाहते हैं, है ना, डेफिनेटली आपका दोस्त बनना चाहते हैं। पर जो आपका बुरा वक्त चल रहा है उस टाइम, तो हमारी बुरी वक्त की दोस्ती इसलिए इतनी ज़बरदस्त कि हमारा जब वक्त इतना सही नहीं चल रहा था, कि जब वो 25 तारीख के बाद ऐसा हो जाता था कि यार अभी 5 दिन और निकालने, ऐसे उस टाइम की दोस्ती हमारी, कि अरे यार शो नहीं मिल रहा कोई, क्या करना है भाई, ये कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं। उस टाइम हम फोन पे 1 घंटा बात करते थे 2013 में 2014 में, क्या कर सकते हैं ये। मैं पहला तो हम गुड़गांव में एक एपिसेंटर करके ऑडिटोरियम होता था जहाँ पर, हाँ हाँ, वहाँ पे हायर किया। तो वहाँ पे जब पहली बार मैंने अपना सोलो किया, उसी दिन जाकिर भाई ने भी अपना सोलो हम साथ में किया। प्रोडक्शन होता था उसमें मेरा, कि ये करते हैं, बहुत सारे शो साथ में किए, ट्रैवल बहुत कर रखा है साथ में, मतलब हम एक दूसरे के अब नब्स को जानते हैं कि हाँ पता है हमें। बट कोई ऐसा स्पेसिफिक किस्सा जो आज तक याद? स्पेसिफिक किस्सा यार बहुत ज़्यादा है, मतलब इतनी, जैसे मम्मी वाली बात है वो बहुत ही एक घर वाली बात है, कि होता है कुछ भी होता है हम खड़े रहते हैं। मुझे अगर आज भी कुछ होगा तो मैं सबसे पहले जाकिर भाई को फ़ोन करूंगा, उनको कुछ होगा तो वो फ़ोन करेंगे। तो वो वाला है गाना.com पे उनका पॉडकास्ट, उसमें आप सुनिएगा कि घर वाली दोस्ती, वो उसमें मैं और जाकिर भाई बात कर रहे हैं। या फिर आप महाकुल बातें में भी देख लीजिएगा, तो उसमें भी जो वो मतलब देखते ही ना, मुझे जैसे लोगों के मैसेज आते हैं कि यार आपकी केमिस्ट्री अलग है, देख के ही पता चलता है, तो मुझे रियलाइज नहीं होता क्योंकि हमारे तो नॉर्मल है ना, नेचुरल है। फिर मेरे को लगा कि हाँ यार मतलब इतना नेचुरल है कि मैं पता ही नहीं चलता। सही, तो ऐसे ही रहे मतलब खतरनाक, और दोनों बड़े भैया जी फाड़ काम करते रहे बहुत ही। और जाकिर भाई के में एक और कि एक ही इंसान आपका बेस्ट फ्रेंड, छोटा भाई और मेंटोर, तीनों कैसे हो सकता है? मेरे लिए वो है कि समझ रहे हो कि मैं वो ऐसा भी कि यार जाकिर ये करना है ऐसे ऐसे, छोटा भाई भी मेंटोर भी है कि यार भाई बताओ ना क्या करना है। तो समझ रहे हो दोनों चीज़ें, और दोस्त भी है, दोस्त भी। तो वो वाला बहुत बहुत रेयर होता है, बहुत बहुत सही है, मतलब ऐसे ही मतलब ऐसे ही रहो आप लोग, और खतरनाक जैसे मैंने बोला जी फाड़ काम करते रहो। हाँ जी, अच्छा एक चीज़ और कॉमन है हमारे बीच, वो है हिप हॉप। जी हाँ, ठीक है। तो हिप हॉप म्यूजिक आप बहुत सुनते हो, और उस टाइम में सुनते आ रहे हो जो खतरनाक म्यूजिक हम 2007-2006 में सुनते थे। हाँ जी, वो सब आपने भी सुना है। जी, मैं भी वो सुनता था। जी, जी, और बीच में आपने एक रैप सॉन्ग भी निकाला था, मेरे देश की कहानी। हाँ जी, सो ये जो हिप हॉप से आपका प्यार है, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। ये शुरुआत 2002 के आसपास की बात है, यही साकेत की बात है। 2002-03 में ना, जब एमिनम
50 सेंट ये आए थे और ये सुनना शुरू किया था। पहली बार हम कहीं चाहते थे और ये गाना चलता था, फिर हमने सुना कि ये अलग ही चीज़ है कोई, समझ रहे हो, म्यूजिक भी है पर बातें कर रहा है पर गा भी रहा है और बीट्स भी खतरनाक है, बीट्स भी खतरनाक है। और जहाँ जाए हम, किसी के भी घर चले जाएँ, हाउस पार्टी में चले जाएँ, कभी ऑफिस की कॉल सेंटर में था मैं दो साल, तो कॉल सेंटर की तो पार्टियाँ भी अलग ही होती थी, अलग वहाँ भी जाए तो सब जगह खुश बर्थडे गौशौरी हर जगह यही गाने चल रहे हैं, यही सब चल रहा है भाई साहब। और सुन सुन के फिर समझना शुरू किया थोड़ा सा, तो मज़ा आने लगा कि यार ये तो और सुनते रहे और सुनते रहे, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ ये धीरे धीरे। फिर सीन जैसे जैसे इवॉल्व होता रहा, नए आर्टिस्ट आते रहे, हम सुनते रहे, पर हमें ये नहीं पता था कि यार ये चीज़ किसी और लैंग्वेज में, हमें लगता था कि हिप हॉप तो इंग्लिश में ही होता है जैसे स्टैंड अप कॉमेडी के साथ। पर जब जैसे उसका जो हिंदी में आना शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ भी आप आर्टिस्ट जितने भी हैं बहुत सारे लोग, चाहे वो अपने कृष्णा भाई हो गए, चाहे रफ्तार भाई हो गए या डिवाइन, ये सब इंग्लिश में परफॉर्म करते थे पहले, फिर मेरी तरह धीरे धीरे वो, तो वो तो फिर हट गया कि भाई साहब ये तो अपनी भाषा में हो रहा है, ये हो सकता है और बहुत सही, बहुत सही, बहुत जबरदस्त जबरदस्त, दिमाग में ही नहीं आया था कभी, तो फिर अलग ही लेवल का वो हो गया। मतलब वो पिक्चर आई उसके हिसाब से तो बहुत नए लोग जुड़े जिन्होंने शायद हिप हॉप का पता नहीं था, पर जो पहले से हिप हॉप को फॉलो करते आ रहे हैं उनके लिए वो मूवी आना और वो करना कि उससे अंडरग्राउंड सीन को थोड़ी हेल्प हो गई है या जो भी हुआ है, वो एक अलग ही वो था कि यार मैंने नहीं सोचा था कि हिप हॉप में कोई मूवी बनेगी और चलेगी, चलेगी इंडिया में, इंडिया में इतनी जबरदस्त, समझ रहे हो, तो वो सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत सही लग रहा है। और लॉकडाउन में मेरी हिम्मत हो गई गाना, हाँ मैंने बहुत प्रैक्टिस वैक्टिस की और करके मैंने एकदम ही ऐसे करके कि भाई बस निकल, मेरे को अपना वो करना था, मेरे को बहुत शौक है और कभी लाइफ में टाइम नहीं मिला क्योंकि कॉमेडी का इतना सही चल गया कि अब आप मुझे याद है बॉम्बे में जब हम थे तो आप बताते मेरे को, तो मुझे याद है कि हम वहाँ भी गए थे जब नीजी भाई की एल्बम लॉन्च हुई थी, हम वहाँ गए थे, हम हक से हिंदुस्तान वो था जो रोलिंग स्टोन का था, हाँ हक से हिंदुस्तान था, क्या नाम था उसका, हक से हिप हॉप, हक से सॉरी हक से हिप हॉप, हक से हिप हॉप जो हुआ था उसमें भी गए थे हम, तो मैं हाँ तो मैं राज भाई के मैं बोलता कि यार कुछ भी ऐसा हो तो प्लीज मेरे को बताइए, हाँ। कुछ भी हिप हॉप का सीन हो ना लाइव देखने का कुछ भी, क्योंकि लाइफ में वैसे मौका मिलता नहीं है, जैसे ये एक हैबिटेट करके वेन्यू है हाँ, तो बलराज भाई जो ओनर है उनके, मैंने उनको बोल रखा था कि बलराज भाई कुछ भी हो तो उनके यहाँ बहुत हिप हॉप के वो होते रहते हैं, तो वो बता देते थे, तो मैं कोने में ना ऐसे हुडी वुडी पहन के धीरे से कौन से कि ऐसा अचानक लगे यार तू क्या कर रहा है यहाँ पे कोई पहचान, तो मैं ऐसे हुडी पहन के ना ऐसे फुल मजे, फिर मैं ऐसे मजे नहीं ले सकता ना खुले में, जो मैं इंजॉय कर रहा हूँ उतना नहीं ना, और मैं नहीं चाहता कि उन, मैं उनको देखना है, बीच में कोई आगे फोटो वोटो के लिए बोलते तो मुझे अजीब लगता है, नहीं यार वो उसका दिन आ जाए ना उसको देखना है प्लीज, मैं यहाँ पे एज एन ऑडियंस आया हूँ, तो मैं बहुत वो फील आती थी मुझे अटेंड अटेंड करने में, तो मैं अभी भी करता रहता हूँ। हाँ फिर लॉकडाउन में गाना आपने निकाला, हाँ लॉकडाउन में मैंने फिर हिम्मत की कि ये करते हैं, तो उसके लिए भी मैं बोला यार मेरे को गाना निकालना है तो कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर बता, तो राज ने बोला कि यार ये अपने उत्तराखंड में है देहरादून से अनिकेत रतूरी भाई साहब, अनिकेत से मिल के, क्योंकि उसने सारा इतनी हेल्प कर दी ना कि भाई अच्छा ऐसा करते हैं, ये जो हेल्प चाहती है, मैं जैसे मैंने बोला कि मैं प्रो सिर्फ शायद कॉमेडी में हूँ, मैं सब में नूब हूँ मैं, पर करने का शौक है मन करता है, तो मैंने ट्राई किया गाना लिखा ये किया साथ में हमने किया रिकॉर्ड किया, हिम्मत हुई मैं चलो कर देते हैं, तो रिलीज कर वीडियो भी शूट कर लिया, वीडियो भी शूट कर लिया, कोई मतलब आपने करा जो आप बहुत टाइम से बात कर रहे थे वो आप निकालना चाहते थे वो फाइनली आपने निकाला, जो कि मेरे को अच्छा लगा क्योंकि आप रैपर नहीं हो एंड इट वाज एन अटेम्प्ट, ठीक है इट्स एन अटेम्प्ट, बट इंडिया में चीज ये है कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के दूसरी चीज करते हो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, हाँ जी ठीक है, तो वही हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे दो तीन रैपर्स थे, मैंने आपको स्क्रीनशॉट ही भेजे थे और मतलब उन्होंने कुछ पोस्ट किया होता, अच्छा सो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे इंटरव्यू करता हूँ, मैं अगर फ्यूचर में यू नो मुझे स्टैंड अप करना है तो मतलब ये आपको रैप करना तो मतलब लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, मतलब वो क्या है, मतलब तो वो अगर आप ध्यान से सोल्यूशन क्या है मैं बताता हूँ, वो ध्यान से देखोगे ना वो सारे रैपर जो ज्यादातर ऐसे हैं जिनको मैं नहीं जानता, मैं जानता समझ रहा हूँ, अगर यही बात कोई दूसरे बादशाह भाई या हनी पाजी या रफ्तार भाई या कृष्णा भाई या कोई और डिवाइन या एमईवे बोल देता, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि हाँ ठीक है मन कर रहा है कर यार जिनको कोई ऑलरेडी पूछ नहीं रहा उनको हर चीज़ से तकलीफ होगी, जब तक आपका काम नहीं चलता ना आपको ओवरऑल चीज़ें अच्छी नहीं लगती, जहाँ आपका काम सही चल रहा है आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा कौन क्या कर रहा है, समझ लो, तो मेरा तो ऐसा कि अगर आपके मन में कुछ भी है करो, दुनिया का काम है बोलना, और 100% तो किसी को नहीं मिला यार, सचिन तेंदुलकर जैसे इंसान को भी सारे लोग मिलके एक साथ नहीं बोलते कि ये बेस्ट है, उसमें भी कोई धोनी का फैन निकल आएगा, कोई बोलेगा नहीं यार कोहली अच्छा है, कोई पुराने लोग बोलेंगे कि नहीं गावस्कर भी अच्छे थे, कोई ब्रेन लग रहा, हाँ तो समझ रहे हो, और ये कहावत है कि यार लोग तो भगवान से भी खुश नहीं है, सच है ना, तो अपन तो इंसान है यार, अपन तो इंसान है, तो अपना काम ही नहीं कि सारे 100% लोग खुश हो, अपना काम है कि अपना बेस्ट देना
उसमें जितने लोग कनेक्ट कर पाए वो हो गया, बाकी यार आप किसी और को देख लो, आप किसी और को सुन लो, स्ट्रेस क्या है, टेंशन थोड़ी है। किस मैंने अटेम्प्ट तो किया, ये मुझे करना था अपने लिए, मैंने किया, आप में से जितने लोग को अच्छा लगा थैंक यू, नहीं लगा मैं अगली बार और बेटर करूंगा, या आप मतलब यही है क्या? मेरे कॉमेडी वीडियोस देखो। हाँ मतलब जो जो भी है। हाँ तो फ्यूचर में और रैप सॉन्ग निकालोगे आप? मन तो है मेरा बहुत ज्यादा और कोशिश भी कर रहा हूँ मैं, शायद आए। हाँ जी मतलब आए शायद। ऑल द बेस्ट भैया। थैंक यू थैंक यू। अच्छा मेरे को ये जानना है कि आपकी फेवरेट सिटी कौन सी है जहाँ पर आपको यू नो परफॉर्म करके सबसे ज्यादा मजा आता है, एंड आपका फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन? फेवरेट सिटी जिसमें परफॉर्म करके मजा आता है, अब तो ऐसा है कि क्योंकि इंटरनेट के थ्रू लोगों ने देख रखा है आपको, तो अब जो ऑडियंस आपकी आती है वो ऐसी है जो सेम ही है, मतलब अगर आप मुझे बताओ नहीं ना कि ये इसमें लोग कौन से शहर से बैठे हैं या कौन सी सिटी में हो आप, तो बैंगलोर में भी वैसे मज़ा आएगा, दिल्ली में भी वैसा आएगा, हैदराबाद में भी वैसे मज़ा आएगा आपको, लखनऊ में भी वैसा मज़ा आएगा, तो वो तो अब मोर लेस एकदम ही सेम हो गया है। दिल्ली थोड़ा क्लोज है क्योंकि दिल्ली घर है, दिल्ली ने बहुत कुछ सिखाया है, मैं जो आज इंसान हूँ इसमें दिल्ली का बहुत बड़ा हाथ है, एज अ मैं मतलब एज अ टीचर मानता हूँ दिल्ली को, कि लाइफ में बहुत कुछ सिखाया है मैंने, जो सीखा है जो मुझे आज कुछ हिम्मत देता है खड़ा हो पाता हूँ, तो वो उसमें दिल्ली का बहुत बड़ा हाथ है। पर वेन्यू के हिसाब से शो के हिसाब से तो हर जगह ऑडियंस उतना ही प्यार देती है, सेम ही रिएक्शन मिलता है, मतलब मैंने एक स्पेशल बॉम्बे में रिकॉर्ड किया, एक दिल्ली में किया हुआ है, दोनों में मुझे रिस्पॉन्स सेम ही मिला। पहला स्पेशल था तो मैं दिल्ली में करना चाहता था कि यार पहला स्पेशल है, शो का नाम भी दिल्ली से हूँ तो वो दिल्ली में रिकॉर्ड होना चाहिए, तो वो यहाँ पे हुआ था। फिर सेकंड बॉम्बे में रिकॉर्ड किया गाड़ी तरह भाई चलेगा। और फेवरेट कॉमेडियन, फेवरेट कॉमेडियन ऐसा कि मुझे ना बहुत सारे लोगों का अलग अलग काम पसंद है, फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कि यार मुझे रफ्तार भाई का ये गाना बहुत अच्छा लगता है और बादशाह भाई का वो वाला बहुत सही लगता है या कृष्ण भाई का ये अच्छा लगता है, ये ऐसे तो मैं इतने रैपरों का नाम ले रहा हूँ, मैं बाली और 47 ये दो लोगों का नाम लेना पाऊंगा जो नए जो आए हैं रिसेंटली लास्ट एक दो साल में, उन्होंने क्या ही बदल के रख दिया यार, अलग ही मजा उनको देखने में दोनों को। आपकी बात हुई थी बाली से, बाली भाई से तो बातचीत है, बाली भाई से हाई लो होती है, 47 से अभी करनी बाकी है, उनसे भी हाई लो कर लेंगे, करते हैं किस दिन पार्टी का प्लान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और स्टैंड अप? हाँ तो वैसे बहुत सारे लोग अलग अलग उनका काम पसंद है, मुझे किसी का एक वीडियो, किसी की कोई वो क्लोज अपन जाकिर भाई से ही है तो वो तो अलग ही है, पर उसको छोड़ के मतलब ऑलमोस्ट मेरे को मतलब मैं शो तो सबके देखने चला जाऊंगा, अगर मुझे पता है ना कि मैं आज फ्री हूँ और किसी का लाइव शो हो रहा है मेरे आसपास कहीं भी, मैं चला जाऊंगा, वो चाहे ओपन माइक है, कोई एकदम नया कॉमेडियन है, कोई प्रो कॉमेडियन है, बाहर का कॉमेडियन है, यहाँ का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं देखने चला जाऊंगा। अच्छा भैया आपके बहुत सारे फैंस यू नो वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे जो आपको इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, राइडर ओपी हो आप तो उनको क्या? उनको मैं एक तो मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए, थैंक यू सो मच जितना आपने अभी तक दिया है, क्योंकि आपके बिना कोई भी कुछ नहीं है, आप हो तो हम हैं, हम जो है ये ऑडियंस के बिना कुछ भी नहीं है, तो इसलिए थैंक यू सो मच। और राज भाई का जो आप देख रहे हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, है ना, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हिप हॉप में इंडिया में हिप हॉप को आगे बढ़ने में बहुत बड़ा हाथ है राज का, बहुत बड़ा हाथ है, बहुत पहले से मेहनत कर रहे हैं, जब से हिप हॉप फॉलो करना कूल नहीं था तब से कर रहे हैं, तो इसीलिए। और जाने से पहले अर्बन मंकी एंड राज जोन्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, वो मैं आपको देना चाहता हूँ जी, ये है बॉक्स, इसके कर दीजिए अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग के पीछे गाने लगाने हमें ओपनिंग करते हुए। I'm a rider. आज मैं प्रोवाइडर हूँ कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओ भाई। So ये एक मत करो, ये एक मास्क है ताकि भैया आप दिल्ली आ गए। हाँ जी। और सेफ रहो। बिल्कुल, बिल्कुल। And there are some cool caps जिनको। ओ भाई साहब। ओ सही। ओ हो 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 हो। ओ हो हो। अर्बन मंकी ये मस्त, बहुत यार अर्बन मंकी की यार। मैंने अभी रिसेंटली एक स्ट्रीम में भी पहनी थी, अगर आप देखो मैंने एक स्ट्रीम की थी 9.5 घंटे की स्ट्रीम की है दोस्तों मैंने। हाँ। उसमें मैंने एक लाल कलर की टोपी पहनी है, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, वो भी नहीं की है। ओ बहुत सही। सो ये कूल कैप्स आपके लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड भैया फर्स्ट टाइम आप मेरे शो पर आए हो। हाँ जी। सो मेरे शो पर आकर आपको कैसा लगा ये बताओ। बहुत ही बढ़िया, मैं तो शुरुआत में ही बोला था कि मेरे को फील ये लगती, मैं सारे देखता हूँ। राज की एक डॉक्यूमेंट्री देखना, उत्तराखंड हिप हॉप को लेके इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो मैंने पूरी देखी। उसमें मैं आपको ये भी अप्रिशिएट करूंगा कि आपने हिप हॉप के सीन को उत्तराखंड के वो मतलब वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, पर उसको ऑडियंस तक पहुंचाना जो आपके पास है वो मीडियम बनना बहुत बड़ी बात है। तो वहीं से मैंने देखा कि अरे वहाँ पे डकैत है, वहाँ पे लकी भाई है, वहाँ पे अनिकेत है, बहुत सारे मॉब, अरे भाई मॉब डी का तो आप इंटरव्यू देखो, बोले क्या उसका इंटरव्यू देख के मजा आ जाएगा आपको। सेमी मॉब डी
तो जो बोलते हैं ना, आप बोलो आप बेस्ट हो, मैं बोलूंगा मैं बेस्ट है, प्रॉब्लम क्या है भाई साहब, क्या बात बोलिए, क्या बात बोलिए. तो वो मुझे बहुत वो भी अच्छा लगा. और ये इसलिए समझ रहे हो, सपोर्ट करने में क्या जाता है यार, है ना. जलने से कोई किसी की तरक्की नहीं होती, ना आपकी ना किसी और की. मैं सर ये जो बहुत सारे यंग लोग अगर देख रहे हैं, तो मैंने ये जिंदगी से सीखा, इवॉल्व होके सीखा है कि भाई साहब जलने से कभी आप अपना काम बेटर करो. अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है लाइफ में तो उसका रीजन सिर्फ आपको, आप अपना काम बेटर करो. आप अगर अच्छा कर रहे हो तो कौन कौन नहीं चाहेगा आपके साथ काम करना, कौन नहीं चाहेगा कोलैबोरेट करना, कौन. तो सही बात, खुद का गेम रेस करो. थैंक यू भैया, आप मेरे शो पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू, फ्यूचर में खतरनाक काम करो. बिल्कुल बिल्कुल भाई, थैंक यू.